नवरात्रि के अवसर पर माई दंतेश्वरी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। विदेशों से भी सैलानी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यही नहीं, माई के मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्र में माता की 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार होता है। दंतेवाड़ा स्थित शक्तिपीठ दंतेश्वरी माता की आस्था आसपास ही नहीं सात समुन्दर पार भी है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ विदेशी सैलानी भी दर्शन करने पहुँचते हैं, साथ ही मनोकामना ज्योत भी प्रज्वलित करवाते हैं। इस साल भी देश के कई मंत्रियों, जिनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सेनाओं के नाम के साथ करीब 10,000 मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। इधर माँ के प्रति आस्था ऐसी है कि लोग श्रद्धा जाहिर करने अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई माई जी को लाल चुनरिया के साथ श्रृंगार का सामान लेकर पहुंच रहा है, तो कोई पूरा पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच रहा है। इसी तरह कोई तो कई किलोमीटर की दूरी नंगे पांव पैदल पहुंच रहा है, तो कोई जमीन पर लुढ़कते, तो कोई घुटने के बल माँ के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने मंदिर पहुंचते हैं। नवरात्र में दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों की भीड़ हजारों में होती है। लंबी कतारों में घंटों खड़े रहकर श्रद्धालुओं ने माँ दंतेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। माई जी के प्रति लोगों की आस्था दूर दूर तक बनी है। मनोकामना पूर्ण होने पर कृतज्ञता जाहिर करने कोई मनोकामना लेकर पहुंच रहा है, तो कोई भक्तों ने बताया कि विवाह के 12 बरस जीतने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ था, माई जी के दरबार में आने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी तरह कांकेर की रहने वाली करीब 88 वर्षीय सुकमती बताती हैं कि वे पिछले 50-60 साल से हर नवरात्र मंदिर पहुंचकर माँ का आशीर्वाद लेती हैं। आएंगे और जो मैं अपनी मनोकामना मांगी हूँ माता रानी से, वो मेरे पूर्ण हो रहे हैं, हो चुके हैं और आना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा परिवार के साथ। तो आप लोग हर बार आते हो दर्शन के लिए? हम हर बार आते हैं, हर साल। और जो भी आपका मनोकामना वगैरह सब पूरा होता है? होता है। नवरात्र पर नगर में सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन सजग है। यातायात पुलिस वाहनों की जांच कर रही है, वहीं भारी वाहनों का नगर प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। नवरात्र पर मंदिर सहित पूरे नगर में मेले सा माहौल है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माई जी की आरती प्रतिदिन सुबह और शाम होती है। इसी दौरान माई जी के चरण से लेकर मुखमंडल तक स्तुति के साथ आरती भी की जाती है। आरती के दौरान प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग जाता है। नवरात्र में माई जी की 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार होता है और माता विभिन्न स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है। रफ्तार मीडिया के लिए दंतेवाड़ा से आशु सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।